अभी रात को मैं कॉल कर रहा था यार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, अभी मैं आई हूँ कराची यूनिवर्सिटी अपनी बेटी के साथ किसी काम से, तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, मैं आपके साथ ना पूरी कराची यूनिवर्सिटी की तो वीडियो बना कर शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत बड़ी है, तो बस जहाँ जहाँ से हम जाएँगे और जहाँ जहाँ जाएँगे वहीं के क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी जो हम इंटर हुए ना कराची यूनिवर्सिटी में, तो सिल्वर जुबली गेट से आए हैं अंदर, और फिर अंदर आने के बाद एक काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद अब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले ना सामने एक कुल्फ़ी वाला है, तो बेटी मेरी कहने लगी मम्मा इनकी कुल्फ़ी खाते हैं, बहुत ही मज़े की कुल्फ़ी होती है, तो बस मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बस अब हम जा रहे थे कुल्फ़ी खाते हुए, और फिर मुझे असल में अपनी बेटी के ना कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से लेने थे, तो बस अभी गई थी जूलॉजी के डिपार्ट में, तो वहाँ से ये वापस आई हैं अपना काम करवा कर। फिर इसके बाद हमने कहा चलो पीजी जाते हैं, कराची यूनिवर्सिटी की जो ये जगह है ना ये काफ़ी मशहूर है, तो बस अभी हम यहाँ से लेंगे चटनी रोल। और देखिए कराची यूनिवर्सिटी का जो मौसम था ना, जिस दिन मैं गई थी उस दिन बारिश का बताया हुआ था, इतना खूबसूरत हो रहा था और काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई थी, लेकिन बारिश थोड़ी ही देर के लिए हुई थी, जैसे 5-10 मिनट के लिए। तो बस जाने से पहले हमने यहाँ से लिए हैं चटनी रोल। और फिर ये था काउंटर था यहाँ पर ये चीज़ों का, तो मैंने कहा आपको जो लेना है वो आप ले लो यहाँ से। ये बच्चे हैं ना, जब जाते हैं ऐसी जगहों पर तो इनका बड़ा दिल चाहता है हम ये भी ले लें वो भी ले लें, तो फिर मैंने कहा आपको जो जो लेना है ना वो आप सब यहाँ से ले लो और मैं आपकी वीडियो भी बना लूँगी, तो फिर आपके पास एक यादगार के तौर पर हो जाएगी ये। अच्छा जी, सारी चीज़ें लेके बाकी तो हम और भी जगह गए थे, लेकिन वो मैं आपके साथ अगर शेयर करती ना तो मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। बस फिर हम ये आपस में बातें करते हुए अभी हम जा रहे थे पॉइंट की तरफ ना, टाइम हो गया था तो हमने कहा चलो यहाँ से हम पॉइंट में ही बैठकर जाएंगे। यहाँ पर देखें इतनी तेज़ बारिश हो रही थी इस टाइम, बहुत ज़्यादा, फिर हमने जल्दी जल्दी ना अपनी जगह का पॉइंट ढूँढा और फिर वहाँ पर बैठ गए पॉइंट में जाकर, और फिर वहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बना रही थी। ये कराची यूनिवर्सिटी का पॉइंट है, बस जी। फिर इसके बाद आ गई थी मैं घर पर, तो घर पर भी जाहिर है आए तो आज बारिश का मौसम था, पूरा दिन अबर ही रहा, तो बस अभी मैं बनाने लगी थी कचौड़ियाँ। अच्छा, ये कचौड़ियों की जो रेसिपी है ना ये मैंने आपके साथ 2 से 3 बार पहले भी शेयर किए, लेकिन ये इतनी अच्छी लगती हैं हमारे घर में, ये सबको इतनी पसंद हैं कि फिर मैं दोबारा से जब बारिश का मौसम होता है ना तो फिर हम लोग ज़रूर ये बनाते हैं। तो अभी मैंने जो है आलू बॉईल किए थे, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है, और अब ऊपर से मैं डालूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। बस फिर ये सारी चीज़ें जो है आलू को मैश करके ना, सारी चीज़ें बस इन चीज़ों को फिर हमने आलू के साथ मिक्स कर लिया था। अच्छा, आटा गूंदने का तरीका ना मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मेरे पास एक प्याले के करीब खमीरा आटा रखा था, तो मैंने इसमें और मज़ीद जितना मुझे चाहिए था फिर मैंने उसमें और आटा शामिल किया। एक पिंच के करीब डाला मैंने इसमें सोडा, और हसब ज़रूरत डाला मैंने इसमें नमक, और फिर इसे आम आटे की जो हम डो बनाते हैं ना उससे कह लें कि डबल जो है हम इसे सॉफ्ट रखेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे। फिर जब 4 घंटे हम इसे रख देंगे फिर हम इसमें देखेंगे, जब ये बन जाएगा ना तो इसका ये होगा कि इसमें हल्के फुल्के से बबल आने शुरू हो जाएंगे और बस हमारा आटा जो है वो तैयार हो जाएगा, फिर हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो अभी मैंने लगाया हाथों पर हल्का सा ना पानी, ऑयल वगैरह नहीं लगाना है, बस हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि पेड़ा जब बनाते टाइम ना आटा हमारे हाथों में ना चिपके, तो बस इस तरह से फिर हम सारे पेड़े बना लेंगे। अच्छा, मैं क्या करूँगी कि पहले पेड़े बनाऊँगी और इसके बाद फिर आराम से ना फिर कचौड़ियाँ फ्राई करेंगे।
अच्छा जी, मेरे पास ना मलमल का कपड़ा ख़त्म हो गया था, तो मैंने ले लिया था एक कॉटन का कपड़ा। इसे बहुत अच्छी तरह से पानी में डिप किया है, फिर इसे ट्रे पर रखा है, फिर मैंने उसके ऊपर पेड़े रखे हैं ताकि पेड़े जो है ना वो कपड़े पर चिपके नहीं। और दूसरी तरफ मैंने कचौड़ियाँ जो बनानी शुरू की हैं, तो पहले मैंने वही कॉटन का कपड़ा ले लिया है। अगर मलमल का होता तो वो ज़्यादा बेस्ट है, मैं वो लेती। तो बस इसे भी मैंने पानी से अच्छी तरह से गीला कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं कचौड़ियाँ बनाऊँगी और फिर हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, ये जो कचौड़ियों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जो है कचौड़ियाँ हैं, तो आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, ये नहीं है कि आप इसे सिर्फ स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करें, आप इसे अपने लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, और पहले से अगर रात में सारा आप कुछ तैयार करके रख लें तो सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो बहुत मज़े की कचौड़ियाँ होती हैं और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बस जिस टाइम में कचौड़ियाँ फ्राई कर रही थी ना, तो बच्चे तो गरम गरम ही खा लेते हैं, उनको ऐसे ही इतनी अच्छी लगती हैं, तो बस मैंने कहा आप लोग खा लो, तो बस हस्बैंड कहने लगे चलो फिर हम लोग साथ में ही खाएंगे, पहले आप बना लो। तो बस अब मैंने बना दी थी और अब हम लोग बैठ कर ना साथ में डिनर कर रहे थे, तो आज मैंने डिनर के तौर पर बनाई थी। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।